नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में जनता को रिझाने के लिए नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या विपक्षी दल के कद्दावर नेता, सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दौरे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, हर प्रकार से जनता को रिझाने का कार्य किया जा रहा है। पर ऐसे में जनता का क्या मूड है, जनता किसके पक्ष में वोट देने वाली है और जनता के बीच कौन सा ऐसा नेता है जो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की तरफ मोर्चा कर चुकी है। हमारे सभी संवाददाता इस वक्त जनता के बीच पहुंचकर उनकी राय को जान रहे हैं और इसी बीच हमारी जो टीम है वो दौरे करते हुए अलग अलग जिलों में पहुंची और लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, जहां पर आपको जनता के बीच क्या कुछ इस वक्त मुद्दे हैं, जनता के क्या कुछ सवाल हैं, जनता किसको अपना नेता चुनने जा रही है, इसको लेकर भी हम आपको रिपोर्ट लगातार दिखाते रहते हैं और इसी का एक नया एपिसोड लेकर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। तो देखिए प्राइम टीवी की यह खास रिपोर्ट। आज हम आए हुए हैं तहसीलदारगंज विधानसभा में। देखिए जो आगामी चुनाव की तैयारी हो रही है और सब प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। देखना ये है कि किसकी सरकार बनती है और किसका होगा राज लगाई। हम जानते हैं एक बात से, क्या नाम है आपका? अनुज शर्मा। अच्छा, आप ये जो खोखा चला रहे हैं इसमें आपकी जो महंगाई होती जा रही है इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप आने वाले 2000 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। ऐसा बीजेपी में आपको क्या, जो आप बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर 960 का हो रहा है, पेट्रोल महंगी हो रही है? क्योंकि आज मेरे भैया के लिए उनने बहुत कुछ किया है ना। अच्छा, हाँ। जैसे उनने ये आयुष्मान कार्ड बनाया था, इससे मेरा भैया सही हुआ था और मेरा घर बार टूटा हुआ था वो सही हुआ है मोदी की योजना से, इसलिए चाहता हूँ मैं। उन्होंने देखा मोदी सरकार में के लिए कितने लाभ मिले हैं, ये आने वाले समय में बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। अभी हमने बात करी थी एक परचुनी खोके बातचे से, आइए हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? वीरेश। वीरेश, आप क्या काम करते हैं? टी स्टॉल है और पकौड़ी स्टॉल है इनकी। ये आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? वही मोदी की होगी और किसकी होगी। ये अच्छा सरकार में इतनी महंगाई है और इसमें गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल को महंगाई लेके आप क्या कहेंगे? वो तो होता ही रहता है, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह महंगा फहंगा, उससे क्या है। जनता से भी तो, जनता पे भी तो फर्क पड़ रहा है इसमें। अब जनता का है, जनता से तो फर्क पड़ता ही रहता है। मोदी सरकार जाएंगे फिलहाल में जो भी। तो देखा आपने, ये भी मोदी सरकार ही चाह। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र, कौन सा गांव है ये? गुदनी। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। देखो जो फौरो खुरपिया संग है। अच्छा, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? घर से आ रहे हैं, अब खेती में जा रहे हैं नारायण। अच्छा, ये जो बीजेपी सरकार में लोगों का ये कहना है कि महंगाई इतने ऊपर तक जा रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब महंगाई का है तो सब किसान है पे है, सब लंग से चोट जो है सब किसान है पर रही है। खेतियों महंगाई बढ़ी है, काबू की सरकार बनी है, किसान का कौन सा फायदा, हमें तो खुरपिया चलाओ न हुआ है, अब चला रहे हैं तो रोटी ना आए ढंग से, कहाँ रोटी है ढंग से, अच्छा बताओ है कोई सुकुना है किसान के लिए, कोई सुकुना है। तो अब आप किसकी सरकार जा रहे हैं? सरकार का जो किसान को फायदा कराए भाई, सरकार बढ़िया है। आप अपना वोट किसे देंगे? वोट किन है? वोट तो अब जहाँ सब देंगे तहाँ हम देंगे। आपकी क्या, आपने दिल की बताइए, आपके दिल के आप सपा बीजेपी बसपा, आप किसे देंगे? आप है अब समाजवादी का, सब गांव जहाँ जाए वो तो हम जाए, अकेले हम कहाँ चले जाए। सब लोगों का ये कहना है बीजेपी सरकार में महंगाई इतनी हो गई है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गई है, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ में तो जो मद हो किसानों को तब फायदा हो, पेट्रोल डीजल तेल खाद है, DAP बताओ 13-14 इकट्ठा है, यूरिया को बताओ कोई टुकड़ा आ गई है, 300 कद्दू आ रहे, 200 को यूरिया को बिकाए, अब कम से कम 600-700 को DAP को बिकाए, तो किसान को फायदा है। अब किसान के गल्ला जो है सब कहाँ ना हो डाउन मद्दा कर देता। तो आपने ये बताया कि इसके सब चीज़ महंगी हो गई है, उसके बाद भी आप अपना वोट कीमती किसे देना चाहेंगे, एक बार तो आपकी राय लेना जरूरी है। वोट तो
अरे वोट तो कह रहा हूँ साइकिल की सरकार ने कह रहा हूँ किसान को फायदा करो। तो आप साइकिल की सरकार चाह रहे हैं? साइकिल की जब सब कोई चाह रहा हो देख रहे हो देश में गईया फिर रही। अभी लोग अभी आपके ही लोगों ने बताया था कि गांव में सड़कें नहीं पड़ी हैं, घर में पानी भर जाता है आधा आधा, इसकी सूचना आपने पहले किसी को दी थी? इसकी कोई कार्रवाई आपने कराई थी? कार्रवाई का ऐसे ही कोई ऐसे ही है गाँव हमारे घर के सामने पानी भरो ठाड़ो है। हाँ देख लो चल गए हमारे घर के सामने। 4.5 साल हो गई बीजेपी सरकार को, आपके गाँव में कोई विकास हुआ? कोई विकास ना भाव, कोई विकास नहीं। लेकिन मोदी सरकार यूं सरता ये कहती है कि विकास होगा। कहूँ विकास ना बाबू, हमारे तो घर पर कींच है, एती कींच में लिखाता देख लो। अब चले गए जिला बदायूं के गांव गुदनी में, आइए हम लेते हैं जनता की राय। विधानसभा इलेक्शन में बनेगी किसकी सरकार? क्या नाम है आपका? उमेंदर। उमेंदर कौन सा गांव है ये? गुदनी। आपके सपा सरकार या बीजेपी सरकार में आपको कौन सा कार्यकाल अच्छा लगा? जहाँ कुछ ना अच्छा लगा, जहाँ तेल खानवार का आया था मालूम 200 रुपया का हुई आदमी को, और अरे के जाते हैं पेट्रोल डराने जाते हैं 100 और 110 है। अच्छा, और डीजल का हिसाब है? महंगाई को लेके ज़्यादा परेशान है आप? और क्या। और वैसे बीजेपी सरकार ने भी तो कार्यकाल किया, उस कार्यकाल में आप क्या कहना चाहेंगे? हम का हमारे कुछ ना हो, हमारे काम कुछ नहीं हुआ, लाभ का हुआ है, हमारे पानी इतने ना भरा। चलो दिखावे तुम्हें रोटल नहीं है को। तो आपने सड़क नहीं पड़ी है, इसकी सूचना किसी अधिकारी को दी? अधिकारी कहिए लिख के लिए है, कुछ करते हैं ना तो क्या करेंगे? उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ? नहीं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम काम चाहते हैं, क्या चाहेंगे? आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? अखिलेश की। अखिलेश की आपको उम्मीद है अखिलेश की सरकार में काम होगा? हाँ पक्का। बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हो रहा आपका? होगा। अच्छा, तो ये आप जो बता रहे हैं 100 रुपये लीटर तेल है, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है, और भी कई चीज़ महंगाई है, तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से सस्ता होना चाहिए हमारा। अच्छा, पहला क्या बजट क्या होगा? बजट का होगा सस्ता, कितना बजट होना चाहिए सस्ते में? जब पहले पेट्रोल चल रही 70-80 चल रही थी चला, और डीजल का 60 रुपये बिक रहा हो, तो आप कहाँ जा 100 जा रहा हो, कहाँ जा रहा होगा? तो आपने देखा किस तरह महंगाई ऊपर बढ़ती चली जा रही है, लोग परेशान हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल बताई जा रही है, 200 रुपये दे सरसों का तेल बताया जा रहा है, ये मोदी सरकार से बहुत परेशान लाभार्थी लोग हैं। जिनके आप बात करते हैं हम गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर का हिसाब है 960 उठ रहा हुआ है, 60 का फ्री में का कौन कह रहा फ्री है? जो तो मोल से पल लगा मोल लो। हाँ कितने कनेक्शन आपके घर में गैस सिलेंडर के? एक नहीं है। आपका कनेक्शन ही नहीं है? कनेक्शन जाते हैं मिलता नहीं है। आपने फार्म भरा था? हाँ 2-3। कितनी बार भरा था? कई बार भरा है, फिर भी आप कनेक्शन नहीं मिला? नहीं मिला। देखा इन्होंने गैस कनेक्शन का फार्म भी भरा है, प्रतीक इन्हें भी अब तक गैस कनेक्शन का लाभ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मदन पाल। ये जो हमारा 2022 में विधानसभा इलेक्शन की तैयारी हो रही है, आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम अखिलेश यादव की। 4.5 साल योगी सरकार को पूरे हो गए, आपको ऐसा कौन से कार्यभार अच्छा लगा योगी सरकार में जिससे आप संतुष्ट हैं? कोई कार्यभार अच्छा ना लगो, सड़क के गड्ढा ना भरवा पाए, अखिलेश ने जितनी सड़क बनवाई दी उन्हें उनके गड्ढा ना बंद करा पाए। महंगाई को देखते हुए आप क्या कहेंगे? महंगाई पेट्रोल पर डीजल हर चीज़ महंगाई। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार बेकार सरकार है, अखिलेश सरकार से जो किसान को फायदा मिला ये सरकार कोई सरकार फायदा आज तक नहीं कर पाई। अच्छा, जो ये डेंगू की महामारी चल रही है इसमें आपके गांव में साफ सफाई कोई साफ सफाई कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, आज तक कोई दवाई नहीं छिड़की गई, कोई काम नहीं हुआ है आज तक। आपने किसी को कोई शिकायत दी इस चीज़ की? नहीं, क्या वो तो प्रधान का काम है, प्रधान ये काम तो कर सकता है। तो आप बीजेपी सरकार से भी संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है ना। तो आप अखिलेश की सरकार चाह रहे हैं? अखिलेश सरकार चाह रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह ये लाभार्थी बीजेपी सरकार से बहुत असंतुष्ट है, ये अखिलेश यादव की सरकार चाह रहे हैं। मेरा नाम प्रेम सिंह है। कौन सा गाँव है ये? मौजमनौर और मोहन नगला। क्या मामला है आपके गाँव का? मामला ये है, हम लोग सब बीजेपी के वोटर हैं, हमेशा से बीजेपी लड़ाई है हमने, लेकिन हमारे गाँव में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, और कार्यों को आप देख भी सकते हैं, नाली सारी ऐसी पड़ी है, स्कूल के लिए बिल्कुल खंजा तक नहीं है, सीसी रोड तो बहुत दूर है, लेकिन जब पूरा गांव बीजेपी का है फिर बीजेपी ने हमारे गांव कार्य विकास क्यों नहीं किया? हम तो ये बोलना चाहते हैं। इसकी आवाज़ आपने ऊपर तक उठाई? बिल्कुल, विधायक जी से भी कहा, सांसद जी से भी कहा है, विधायक तो पहली बार हुए, सांसद दूसरी बार सांसद हुए हैं, फिर भी आपके यहाँ काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। सूचना आपने प्रधान को दी? प्रधान को भी दिए, प्रधान को भी पता है। प्रधान क्या बोले? प्रधान बोले कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि बीजेपी के अगर हम वोटर हैं, पूरा गांव लोधी समाज का है, तो हमारे गांव विकास होना चाहिए,
और जो क्या नाम जिन लोगों को जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको मिलना चाहिए, आज तक किसी को आवास भी नहीं मिला है हमारे गांव में। अच्छा, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नगर पंचायत नगर पालिकाओं में चल रहा है, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, इतनी बड़ी आप समस्या में, उसके बाद आप 2022 विधानसभा चुनाव में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? मैं सरकार के लिए ये कहना चाहता हूँ वोट तो हम बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी के वोटर हमारे इससे पहले कहीं सुनी भी नहीं जाती है, और अन्य सरकारें जो आती हैं तो किसी में लूटपाट होती है, किसी में कुछ होता है, लेकिन विकास नहीं हो तो हम घर में चैन से तो बैठे हैं, खुशहाल तो हैं, लूटपाट तो नहीं है, चौराहे पे दंगे फसाद होते हैं, कहीं किसी की भैंस खोल ली जाती है, किसी का बोरिंग निकाल खोल लिया जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हम उससे तो बिल्कुल सही, लेकिन विकास नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं बीजेपी से मेरा कहना है कि गाँव को देखिए और विकास करवाइए। तो 4.5 साल पूरे हो गए बीजेपी सरकार को, आपको ऐसा कौन सा कार्य अच्छा लगा जो बीजेपी सरकार का जो आपके गांव या आपके क्षेत्र में हुआ हो? सबसे अच्छी बात तो मेरी समझ में ये आई कि उससे गुंडागर्दी बिल्कुल चली गई, गुंडागर्दी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, उससे पहले गुंडागर्दी इतनी थी कि चौराहे चौराहे पर लूट होती थी, रोडों पर लूट बाइक से लूट लिया करते थे, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, और शौचालय का फ़ायदा हुआ है, और क्या नाम ये बिजली हमारे घर में जनधन योजना का जो है और बिजली का ये सारा काम किया, लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ है मेरे का। अच्छा, ये जो महंगाई हो रही है 100 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर को, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी हो या अन्य कोई भी सरकार हो, इसमें हम लोगों के लिए, हम तो इसी के ऊपर निर्भर हैं, तो ये इसमें हमें सस्ता होना चाहिए। अच्छा, कम से कम कितना सस्ता होना चाहिए? कम से कम पेट्रोल का रेट होना चाहिए 60 रुपए से नीचे ही होना चाहिए, और डीजल जो 50 के लमसम होना चाहिए। और लोगों का ये कहना है कि गैस सिलेंडर 950 रुपये 960 रुपये का, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें इसका रेट होना चाहिए 500 रुपये। चलिए, फिर आपने देखा किस तरह लाभार्थी कुछ योजनाओं से परेशान है, उसके बाद भी ये बीजेपी को वोट सपोर्ट करने के पूरे इच्छुक है। तो इस महंगाई की मार तो आप देख ही रहे हैं, अर्थव्यवस्था देश की कैसी बिगड़ रही है, देश देख रहे हैं कैसा चल रहा है, इसमें क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ काम किया ही नहीं है। तो आप आने वाले 2022 में किसकी सरकार जा रहे हैं? 2022 में इस बार अखिलेश यादव आ रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ, और कोई इसमें संकोच नहीं है किसी बात का, बहुत अच्छा जनाधार मिल रहा है उन्हें, बहुत बढ़िया। 4.5 साल पूरे हो गए योगी सरकार को, आपको ऐसा कौन से कार्य वाला अच्छा लगा जो योगी सरकार में किया गया हो? योगी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है भाई, उन्होंने सिर्फ फीता काटा है दूसरे के नाम का। अच्छा। उन्होंने कोई कार्यकाल में अपना कोई काम नहीं किया, उन्होंने दूसरों काम को अपना गिनाया, जो भी प्रोजेक्ट दूसरी सरकार ने निकाले थे उनका सिर्फ फीता काटा है। जैसे आप देखो कि सपा सरकार ने 100 नंबर चलाया था, उसको 108 नंबर कर दिया, 112 नंबर कर दिया सॉरी, और जो उन्होंने काम किए उनका फीते काट रहे। एक्सप्रेस वे हाईवे भी आपने देखा होगा, अभी उन्होंने उद्घाटन हुआ है, वो भी प्रोजेक्ट सपा का ही था, वो जो अभी इन्होंने फीता काट रखा है योगी जी ने, वो उनका प्रोजेक्ट नहीं था, वो सपा का था, और वो सपा के ही लोगों ने फिर वहाँ पर भी काटा, उन्होंने भी अपना फीता काटा, आपने देखा होगा। ये सिर्फ नाम अपना कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, फीता काट रहे हैं, और कोई काम नहीं है इनका। नाम बताइए। मेरा नाम बबीता रानी, प्रधानाचार्य है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नेहटौर, जिला बिजनौर। अपने क्षेत्र के एमएलए को लेकर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा कार्य हुआ है और आगे भी अच्छे कार्य होते रहेंगे, हमारा विद्यालय प्रस्तावित है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। आपके क्षेत्र के विधायक के बारे में आपकी क्या राय है? अजी, हमारे क्षेत्र के विधायक के बारे में तो सबसे बढ़िया बात, हमारे 13 करोड़ का स्कूल बन रहा है, सबसे बढ़िया और क्या बात हो सकती है, हमारे 100 मीटर की सड़क बनवा दी। और क्या क्या समस्याएं भी बाकी है? हमारी तो 100 मीटर की सड़क गाँव हो बननी जाएगी, और हमारी कोई इसका समस्या जब बुलाऊं जब भी आ जाएंगे। हमारे विधायक साहब ने तो एक पार्टी मांडू में पुल बनवा दिया, वो भी हमें जाने आने की दिक्कत पड़ती। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी बार किसको वोट करोगे? हम तो वोट भैया ओम कुमार जी को करेंगे, विधायक को अपने। आपके क्षेत्र के विधायक के बारे में बताइए। हाँ जी, हमारे विधायक जी ने बढ़िया बहुत ITI स्कूल बनवा दिया और सड़क बनवा दी हमारे गाँव में, और जैसा कोई काम पड़ा जैसे बुलाऊं जब भी आ जाएंगे। और क्या क्या समस्या है अभी बाकी है? बाकी और क्या, अपने सड़क ही बनवाई, ये काम करवा रहे हैं, करवा ही रहे हैं तो गति में। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी बार किसको वोट करोगे? हम तो ही नहीं करेंगे। कोई किसी तरह की कोई समस्या है इस समय? और किसी तरह की समस्या है इस समय? अपना नाम बताइए। नरपाल सिंह। अपने क्षेत्र के विधायक के क्या क्या सहयोग आपको मिला है? ओम कुमार जी, उनके द्वारा क्या क्या सहयोग मिला है?
उनके द्वारा क्या क्या सहयोग आपको मिला है? ठीक है, आज बढ़िया आदमी जो भी सड़कें मिली हैं, नलवल लगवाए, जो भी मिला काफी योजना मिली। और आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार किसको सहयोग करोगे? विकास में कोई दिक्कत नहीं आई, सब ठीक ठाक काम करा। अपना नाम बताइए। रिटा सिंह। अपने गांव की समस्याएं बताइए। अरे मैं गांव की क्या समस्या बताऊं, गांव में तो बतरी समस्या रहे, मगर बात यो ठीक ही चल रहा काम, कोई ऐसी बात ना। विधायक द्वारा आपको क्या क्या सहयोग मिला? विधायक के साथ है जी, हम सरकार कीजिए ना, हम तो विधायक के साथ हैं, पक्के बात है सर। आगामी विधानसभा चुनाव को विधायक के साथ हैं, विधायक आदमी बढ़िया हैं, भले हैं, और हमारे जो काम भी पड़ा बेचारे हर टाइम तैयार हैं, कोई बात नहीं। बताइए। मेरा नाम शुजाउद्दीन अंसारी है, मैं यहाँ चीफ फार्मासिस्ट हूँ। सर, आपके क्षेत्र के MLO को लेकर आपकी क्या राय है? हमारे क्षेत्र के MLA बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। हमारा कुछ काम था, बोला था हमने बनवाने के लिए, वो तुरंत ही बन गया था। सड़क बनी है, यहाँ पे कच्ची थी पहले, अभी पक्की हो गई है, CC बनवा दी है। क्या क्या समस्याएं और बाकी हैं? समस्याएं तो मैं समझता हूँ सब देख रहे हैं खुद ही हो, हमारे सामने तो कोई समस्या नहीं है इस वक्त।